आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट डाटा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा का ऑटोमेटिक ख़त्म होना, इसको कैसे रोक सकते हैं। और आपका जो 1.5 GB डाटा है वो 10 GB की तरह काम करेगा, 24 घंटे चलाओगे मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो सेटिंग कर लीजिए जो मैंने बताया है, आपके प्ले स्टोर के अंदर सेटिंग करना पड़ेगा और फोटोज़ ऐप के अंदर आपको सीक्रेट करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ से मोबाइल डाटा ख़त्म होता है हम वो सारे सेटिंग को आपको बताएंगे। अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखते रहिए, आप समझ जाएंगे कैसे मोबाइल डाटा को बचाना है। वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें खुशी होगी, और वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी लोग जानेंगे। कमेंट में लिख देना है डाटा सेविंग ट्रिक या इंटरनेट डाटा सेविंग ट्रिक, कमेंट में लिख दीजिए। और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला जो आपको मैं बताऊंगा सेटिंग करने के लिए, वो प्ले स्टोर के अंदर, नॉर्मल प्ले स्टोर आपको सभी मोबाइल के अंदर मिल जाते हैं, तो प्ले स्टोर के अंदर जाइए। मेरा ये प्ले स्टोर ऐप है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और आपको सेटिंग दिख जाएगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क प्रिफ्रेंस आपको आएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ऑटो ऐप अपडेट ऐसे है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके ना इसको डोंट ऑटो अपडेट कर देनी है ऐप को। ये कर देंगे तो इससे होगा क्या, कोई भी मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक ऐप अपडेट नहीं लेगा और इससे आप डाटा बचा पाएंगे। ऑटो प्ले वीडियो मोबाइल के अंदर बहुत बार देखिए होता है क्या, ऐड वगैरह चलने लगते हैं, तो आपके ऐड वगैरह वो जो चलते हैं वो भी डाटा खींच लेता है ना, तभी तो वो ऐड चलता है डाउनलोड होके, तो इसको बंद कर देंगे तो डबल फ़ायदा होगा। एक तो ऐड जो आएगा वो भी बंद हो जाएगा और दूसरा कि आपका डाटा भी बचेगा। तो बहुत बार होता है कि गंदे गंदे ऐड भी चलने लगते हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। चलिए ये तो हमारा हो गया दो सेटिंग, लेकिन अब चलते हैं और अगले सेटिंग की ओर, और वो है हमारे मोबाइल के अंदर में होता है सिस्टम अपडेट। MIUI के मोबाइल में MIUI का वर्जन अपडेट होता है, सिस्टम अपडेट में जाइए। ये मैंने क्लिक किया, सिस्टम अपडेट है। सिस्टम अपडेट पे जाने के बाद आपका ये देखिए सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद ये देखिए आपका ऑटो डाउनलोड पैकेज, ये आपका चालू होगा, ये आपका चालू होगा, ग्रीन होगा या ब्लू आपका जो भी है चालू है, इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए चालू है, मैंने बंद कर दिया। इसको बंद कर देंगे तो होगा क्या, कोई भी ऐप कोई कुछ भी अपडेट वगैरह आती है तो ऑटोमेटिक वो अपडेट नहीं लेगा और आपका इंटरनेट डाटा ख़त्म नहीं होगा। बहुत बार होता क्या है, अपडेट लेने लगता है और फिर जब आपका डाटा ख़त्म हो जाता है तो वो अपडेट भी बंद हो जाता है। फिर वो अगले दिन जब आपका इंटरनेट और ये रिचार्ज जो है आपका 1 GB 1.5 GB जो आता है अगले दिन आता है, तो ये फिर वो डाउनलोड करने लगता है, फिर वो डाटा ख़त्म हो जाता है। ये लूप में ना आपका इस वजह से भी इंटरनेट डाटा ख़त्म होता है ऑटोमेटिक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन खैर अब बढ़ते हैं हम अगले फीचर की ओर, जो कि सबको जानना चाहिए, वो यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर आप वीडियो आप देखते होंगे, यहाँ पे आपको ना सेटिंग में जाना है। ये देखिए यूट्यूब का सेटिंग है, यहाँ पे जनरल है। जनरल पे जाने के बाद प्लेबैक इन फीड, इस पे जब आप जाओगे ना तो ये आपका प्लेबैक इन फीड ऑलवेज ऑन होगा। ये चीज़ है प्लेबैक इन फीड, इसको ऑफ कर दीजिए। प्लेबैक इन फीड को ऑफ कर देंगे तो इसमें होगा क्या, कोई भी YouTube वीडियो जब आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिक चलना नहीं शुरू होगा, जब तक आप क्लिक करेंगे तभी वो चलेगा। इससे होगा क्या, डाटा आपका बचेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। हाँ, ये बहुत जरूर अच्छी चीज़ है, इसको बंद रखिएगा, इंटरनेट डाटा आपका बहुत बचेगा। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपने अगले ट्रिक की ओर, वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डाटा सेवर दिया गया है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑटोमेटिक पे रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक पे रहेगा। वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, इसको डाटा सेवर कर देंगे तो आपका इंटरनेट डाटा बहुत ही ज़्यादा चलेगा। कोई भी आप मूवी देखिए, कुछ भी करिए, तो आपका लो क्वालिटी में वीडियो चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, एक बात है, अगर स्टूडेंट है और स्टूडेंट को अगर बताने वाली बात हो रही है तो वो तो लो क्वालिटी में भी देख लेगा, लेकिन अगर कोई लिखने वाली बात आएगी तो स्टूडेंट को YouTube से पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए वहाँ पे आप मैन्युअली HD में आप कर लीजिएगा। डाटा सेवर अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। चलिए एग्जांपल के लिए मैं कोई वीडियो चलाता हूँ, अब ये वीडियो मैंने चलाया और इस वीडियो में है क्या, मतलब मुझे कुछ लिखना है और इससे मुझे दिखाई नहीं दे रहा अच्छे तरीके से लिखने में, ठीक है, तो अभी देखिए इसको मैं कैसे ठीक करता हूँ। अरे यार ये ऐड खत्म होगा तभी मैं दिखाऊंगा आगे, ये ऐड तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी, डाटा सेवर पे है और अब यहाँ पे क्वालिटी मुझे कुछ लिखना है
डाटा सेव हो गया, क्वालिटी पे मैं गया, अब इसको 720 कर दीजिए, 720 काफ़ी होता है। अब यहाँ पे होगा कि आप कोई लिखने वाली भी चीज़ होगी, स्टूडेंट को कोई बच्चे वगैरह आपके क्लास वगैरह करते हैं आपके घर में, तो वो यहाँ से देख पाएंगे, आई मीन वो लिख पाएंगे, अच्छी तरीके से नोट कर पाएंगे। और 720 वाला क्वालिटी एनफ होता है आपके मोबाइल के लिए। तो ये सारे सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा इंटरनेट डाटा आप बचा पाएंगे और सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा आप नेट को यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे और आपका जो रिचार्ज है वो भी नहीं करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में लिख देनी है डाटा सेविंग टुडे, ओके कमेंट में लिख देनी है। चलिए मिलते हैं आगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू, बाय।